हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द अनदर करंट अफेयर वीडियो में हम जानेंगे ट्वेंटी के करंट अफेयर्स अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें कोई फीडबैक हो आपके पास तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन के साथ क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है बेस्तू वर्षा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गुजरात महाराष्ट्र गोवा या कर्नाटका ये चार स्टेट्स है बच्चों आपके पास इन सब में से बेस्तु वर्षा कब सेलिब्रेट किया जाता है बेस्तु वर्षा बेसिकली क्या है बेस्तु वर्षा है न्यू ईयर क्या है ये न्यू ईयर जैसे कि हमारा न्यू ईयर होता है वैसे ही गुजराती का भी न्यू ईयर गुजराती का भी न्यू ईयर होता है तो ये वेस्तुवर्षा सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में ठीक है गुजरात का फेमस डायलॉग किसी को गुजराती आती हो चाहे ना आती हो बट तो इतना तो आता है कि एम छ मा है ना चलिए सो इट इज बीन सेलिब्रेटेड इन गुजरात इस दिन लोग क्या करते हैं ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये सेलिब्रेट किया जाता है जैसे दिवाली का जो पाँच दिन का पर्व होता है वहाँ जैसे धनतेरस हो गया फिर छोटी दिवाली हो गया फिर बड़ी दिवाली हो गया फिर आ, फिर भाई दूज हो गया तो ये सारे फेस्टिवल्स आते हैं ना इसी के साथ गुजरात का गुजरात का बेस्तु वर्षा या न्यू ईयर जो है वो मनाया जाता है ठीक है लोग इसको कैसे करते कैसे सेलिब्रेट करते हैं लोग इसको टेम्पल में विजिट करते हैं अपने घरों के बाहर रंगोली बनाते हैं लोगों से जाकर मिलते हैं विश करते हैं घरों को सजाते हैं ये सारी चीजें करके लोग जो है वो अपना न्यू ईयर मनाते हैं गुजरात का न्यू ईयर इस तरीके से मनाया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रेसिडेंट सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर इज प्रेजेंटेड टू जो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट होता है उसका सिल्वर ट्रम्पेट और सिल्वर सॉरी सिल्वर एंड सिल्वर ट्रम्पिन बैनर किसको प्रेजेंट किया जाता है स्पेशल पुलिस गार्ड प्रेसिडेंट्स बॉडी गार्ड आसाम राइफल या फिर कोस्ट गार्ड तो बच्चों वो प्रेजेंट किया जाता है वो दिया जाता है प्रेसिडेंट के बॉडी को ठीक है प्रेसिडेंट के बॉडी को सिल्वर ट्रम्पिट एंड ट्रम्पेट बैनर जो है वो दिया जाता है ये कब दिया जाएगा ये आज के दिन दिया जाएगा यानी कि ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अक्टूबर को जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हमारी प्रेसिडेंट हैं इंडिया की एट प्रेजेंट वो ये बैनर जो है वो प्रेजेंट करेंगी किसको बॉडी को ठीक है वो क्या है प्रेसिडेंट बॉडी क्या है ये आ, ये यूनिट है एक आर्मी यूनिट है जो कि सबसे पुरानी यूनिट है जो कि अभी भी स्टिल इट्स इन वर्क और इसका काम क्या होता है ये सेरिमोनियल अपना जो सेरिमोनियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं प्रेसिडेंट को ठीक है ये किसी भी जो ट्रम्पेंट होता है ये किसी और अदर यूनिट को आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी और यूनिट को ये प्रेजेंट नहीं किया जाता है सिर्फ प्रेजिडेंट्स बॉडी यूनिट को ही प्रेजेंट किया जाता है चलिए सवाल फिर ये पैदा होता है कि प्रेजिडेंट्स बॉडी गार्ड वॉज अस्टैब्लिश इन विच ईयर ये जो यूनिट है रेजिमेंट है ये कब बनाई गई थी 1947, फोर्टी सेवन या फिर 1950 कब बनाई गई थी ये तो बच्चों ये बनाई गई थी 1773 1773 में इस यूनिट को बनाया गया था ये बहुत पुरानी सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की और ये क्या करती है सेरेमोनियल ड्यूटीज प्रोवाइड करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस यूनिट में क्या होते है बहुत केपेबल हॉर्स मैन टैंक मैन और पैरा ट्रूपर्स होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू फ्लैग के ऊपर ब्लू फ्लैग क्या होता है वो जानेंगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं रिसेंटली टू मोर बीच वर एडेड टू ब्लू फ्लैग ठीक है ब्लू फ्लैग बीच में दो और बीच जो है वो एड कर दिए गए हैं नाउ हाउ मेनी ब्लू ब्लैग बीचेस ब्लू फ्लैग बीचेस आर इन इंडिया पहले कितने थे अब दो और एड हो गए तो उसके बाद कितने हो गए बच्चों पहले थे इंडिया में टेन ब्लू फ्लैग बीचेस अब दो और एड हो गए हैं तो हो गए हैं बारह ट आर टोटल टेन ब्लू फ्लैग इन इंडिया इस पे क्वेश्चन सॉरी <coughs> इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए तो रिसेंटली कौन कौन से दो बीचेस को एड किया गया है ये आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो स्क्रीन शॉट ले लो ये पिक्चर आपको वैसे नेट पे भी मिल जाएगी स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सारे के सारे ब्लू फ्लैग बीचेस के बारे में नाम जो है उनका दे रखा है और कहाँ पर है लोकेशन भी स्टेट वाइज दे रखी है सो so, रिसेंटली मिनी कोय थुंडी बीच एंड कदमत बीच जो कि कहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड्स में लोकेटेड है उनको ब्लू फ्लैग लेबल जो है वो दिया गया है ब्लू फ्लैग लेबल का मतलब क्या होता है कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस हैं वर्ल्ड के ठीक है इस वजह से इनको ये ब्लू फ्लैग जो है वो दिया जाता है अब ब्लू फ्लैग अब ऐसा थोड़ा ना है कि ब्लू फ्लैग दे ब्लू फ्लैग दे दिया और फिर हो गया काम नहीं इनको जिस क्राइटेरिया पे वो मिलता है ब्लू फ्लैग दिया जाता है उनको वो मेंटेन भी करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि एक बार आपको वो सर्टिफिकेशन मिल गया तो यानी कि आप क्लिनस बीच हैं चाहे आप कितना ही कितनी गंदगी फैलाएं कितना ही आपके वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम हो जाए ऐसा नहीं होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस पर यूनाइटेड नेशंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर चार ऑप्शन है आपके सामने अब आप मुझे ये बताइए की यूनाइटेड नेशंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है सो बच्चों यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे का क्यूँ सेलिब्रेट किया जाता है ये सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन जो यूएन चार्टर है उसको साइन किया गया था एन एट केम इन टू फोर्स पांच परमानेंट इसको साइन किया गया था जो यूएन के पांच परमानेंट हैं उसके साथ मिलकर इसको साइन किया गया था बट ऐसा नहीं है कि 1945 1945 में इसको साइन किया गया तो 1945 से यूएन डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया नहीं 1948 से इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ था ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर फिर नाइनटीन सेवेंटी वन में ये डिसाइड हुआ कि जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं वो ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को एज पब्लिक हॉलिडे सेलिब्रेट मतलब पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया उस दिन छुट्टी रहती है ऑन दी ओकेजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस डे ठीक है नाइनटीन फोर्टी फाइव में यू एन चार्टर को सबने साइन किया था एंड इट फोर्स ठीक है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू एन के कौन से पाँच परमानेंट मेंबर्स आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अवार्ड पे ठीक <coughs> है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है और ट्रिकी है आई आई टी मद्रास नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिस अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय यानी कि जो आई आई टी मद्रास है उसको नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया गया है ये अवार्ड एक्चुअली कौन देता है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है तो ये अवार्ड देती है बच्चों गैस करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये अवार्ड देती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक है ये अवार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है इस साल ट्वेंटी 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 टू के लिए किसको मिला है ट्वेंटी 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 टू के लिए मिला है आई आई टी मद्रास को इस अवार्ड को देने का क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों इस अवार्ड को देने का क्राइटेरिया होता है कि पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट्स एंड कमर्शलाइजेशन ये तीन क्राइटेरिया होते हैं और इन तीनों क्राइटेरिया पे जो आईआईटी मद्रास है वो सबसे ज्यादा खरा उतरा इस वजह से उसको ये दिया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वेन इज द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज सेलिब्रेटेड ऑडियो विजुअल हेरिटेज क्या होता है बच्चों देखो एक तो हेरिटेज होता है हमारा मॉनूमेंट हो गया हमारा रिवर्स हो गई हमारे एंशेंट आर्टिफैक्ट्स हो गए पेंटिंग्स हो गई स्कल्पचर्स हो गए कॉइंगस हो गए टूल्स हो गए तो ये सब क्या है ये हमारे हेरिटेज होता है है ना लेकिन ऑडियो विजुअल्स जो हमारी पुरानी ऑडियोज होगी जो हमारे पुराने वीडियोज होंगी पिक्चर्स होंगी वो भी हमारी हेरिटेज का एक पार्ट होते हैं तो उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए सो so, इस वजह से इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं <coughs> इस डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी ट्वेंटी एट ऑफ अक्टूबर को ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर को या फिर ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अक्टूबर को जल्दी बताइए बच्चों इसको सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ अक्टूबर को ट्वेंटी सेवंथ ऑफ अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज पर्पस क्या है इसको सेलिब्रेट करने का पर्पस है ताकि लोगों को अवेयरनेस पहुँचे उनको पता चले वो जागरूक हों कि इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है ठीक है प्लस हम लोकल नेशनल इंटरनेशनल एस्पेक्ट को जो हेरिटेज के एस्पेक्ट्स हैं हम इसको एक अपर्चुनिटी देते हैं सेलिब्रेट करने का ऑडियो विजुअल को भी हम ऑपरचुनिटी दे रहे हैं कि वो एक का पार्ट है उसको उसको भी हम सेलिब्रेट करें उसको भी हम समझें देन

हमें इस तरीके से भी अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए और हम प्रिजर्व कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो ये सारी चीज़ें होती इन सब इन सब वजहों से इस डे सेलिब्रेट किया जाता है अब डे है तो थीम भी होगी तो उसकी थीम क्या है थीम फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज़ एनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी जो डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है उसको एनलिस्ट करना उसको इस उस चीज़ में इंक्लूड करना ताकि हम एक इंक्लूसिव जस्ट और पीसफुल सोसाइटी बना सकें सो दैट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे 2022 सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोनॉमी एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वेयर कंट्रीज फाइनेंशियल इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज रिकॉर्डेड

कंट्री का फाइनेंशियल इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड किया जाता है इनफ्लो आउटफ्लो सिर्फ और सिर्फ पैसे के तौर पे नहीं करेंसी के तौर पे नहीं बल्कि पैसे और करेंसी के तौर पे नहीं बट प्लस सर्विसेज गुड्स कितना सामान इंपोर्ट हुआ कितना सामान सॉरी <coughs> कितना सामान एक्सपोर्ट हुआ कितनी कमोडिटीज़ कितनी सर्विसेज सॉफ्टवेयर ये सारी जो सर्विसेज होती हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करी जाती हैं ठीक है बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी चाइना जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा टी यानी कि चाय का उत्पादन करता है कौन सा ऐसा देश है जो कि कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है प्रोड्यूसर है इंडिया ब्राजील चाइना या फिर यूएसए ये क्वेश्चन इस वजह से न्यूज में है ये क्वेश्चन इस वजह से मैंने डाला है इस सेशन में क्योंकि जो साउथ इंडिया में हम जानते हैं कि साउथ इंडिया में कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है लेकिन जो कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर प्लस जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से प्लस इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया उन सब की वजह हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं सो इंडिया ब्राज़ील चाइना एंड यू एस ए सो बच्चों ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट विद से ब्राज़ील ब्राज़ील जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का इन वर्ल्ड ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन दो तरीके से इम्पॉर्टेंट है एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वैसे इंपॉर्टेंट है प्लस सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा मतलब जो कंट्री है कंट्री कह लो या ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो कि एस सी एस या बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं स्टेप्स ले रहे हैं सो so, क्वेश्चन uh, क्या है रिसेंटली विच स्टेट हैज इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ एस सी बाई टू परसेंट एंड एस टी बाई फोर परसेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड जॉब्स ठीक है इनमें टू uh, परसेंट और फोर परसेंट से रिजर्वेशन इंक्रीज करने की बात करी गई है कौन से स्टेट ने आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश केरला कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश तो बच्चों ये इनिशिएटिव लिया गया है कर्नाटका के द्वारा कर्नाटका ने डिसाइड किया है कि वो इंक्रीज करेगा एस सी का रिजर्वेशन एस का बाय टू परसेंट एंड एस का स्केड्यूल ट्राइब्स का बाय फोर परसेंट ठीक है बच्चो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा इफ यू है लाइक द वीडियो कैन ई लाइक शायद कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट जॉब वैकेंसी अपडेट करंट अफेयर पीडियस एंड एग्जाम रिलेटेड कॉन्टेंट थैंक यू एवरी वन